क्रिकेट में स्लेजिंग पर बड़ी चर्चा होती है। कुछ लोग कहते हैं कि स्लेजिंग अच्छी चीज है, कोई कहता है कि ये गलत है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन कई लोग कहते हैं कि स्लेजिंग एक दायरे में हो तो इससे खेल में अच्छा मनोरंजन होता है। स्लेजिंग की वजह से ही ऋषभ पंत हाल ही में काफ़ी चर्चा में आ गए थे। ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान विकेट कीपिंग करते हुए ऋषभ की गई टिप्पणी ने लोगों का काफी मनोरंजन भी किया था। हालांकि वो एक दायरे में था जिसे अच्छा मनोरंजन माना जा सकता है, लेकिन स्लेजिंग का ही एक वाक्या पाकिस्तान के कप्तान सरफराज से जुड़ा है। स्लेजिंग करने में वो दायरा भूल गए, जिसके चलते अब क्रिकेट की दुनिया में सरफराज की बहुत फजीहत हुई और अब उन पर बैन भी लगाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने पाकिस्तान के कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज सरफराज अहमद को 4 मैचों के लिए बैन कर दिया है। सरफराज ने डरबन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे मैच के दौरान अफ्रीकी ऑलराउंडर एंडिल फेलुकुवायो पर नस्लीय टिप्पणी की थी। ICC के एंटी रेसिज्म कोड के उल्लंघन करने पर सरफराज अहमद पर ये कार्रवाई की गई है। रविवार को ICC ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। हुआ ऐसा कि साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच डरबन में दूसरे वनडे के दौरान साउथ अफ्रीका की बैटिंग चल रही थी। इसी दौरान बैटिंग कर रहे थे अफ्रीकी बल्लेबाज एंडिले को विकेट के पीछे सरफराज ने स्टंप माइक पर ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर सभी दंग रह गए। स्टंप माइक ऑन था और TV पर सरफराज को ये कहते सुना गया, अबे काले तेरी अम्मा आज कहाँ बैठी है, क्या पढ़वा के आया है आज। ये सुनते ही कमेंट्री बॉक्स में बैठे माइक हेसमैन ने रमीज राजा से ऑन एयर पूछा कि सरफराज ने जो कहा उसका क्या मतलब है। रमीज यहाँ फंस गए, वे बोले ये बहुत बड़ा वाक्य है, ट्रांसलेट नहीं कर सकता। यही कहकर रमीज इस विवादित बयान में पढ़ने से बच गए। शायद पाकिस्तानी कप्तान को दिक्कत इस बात से हुई थी कि एंडिले ने पहले बॉलिंग करते हुए पाकिस्तान को सिर्फ 22 रन देकर 4 विकेट लिए, फिर जब 7वें नंबर पर बैटिंग करने आए तो नावाद 69 रन मार दिए, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के भी जड़ दिए थे। साथ ही पहले एंडिले का कैच छूटा और फिर एक रिव्यू में भी वो बच गए। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान के 207 रनों के जवाब में साउथ अफ्रीका ने 48 गेंद रहते मैच 5 विकेट से जीत लिया। आमतौर पर किसी मैच के बाद खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर बात होती है, लेकिन यहां सरफराज के इन बयानों पर क्रिकेट की दुनिया में खूब चर्चा हुई। इसके बाद सरफराज को अपनी गलती का अंदाजा हुआ, तो इससे पहले शुक्रवार को पाकिस्तानी कप्तान सरफराज ने एंडिल से मुलाकात कर माफ़ी मांगी थी। सरफराज ने बुधवार को भी लंबा माफीनामा जारी किया था और इसमें उन्होंने जोर देते हुए कहा था कि उनकी टिप्पणी किसी विशेष के लिए नहीं की गई थी, लेकिन शुक्रवार को उन्होंने एंडिले से मुलाकात की थी। सरफराज ने अपने ट्विटर पेज पर लिखा था, आज सुबह मैंने एंडिल से माफ़ी मांगी और उन्होंने मेरी माफ़ी स्वीकार कर ली है। उम्मीद करता हूँ कि दक्षिण अफ्रीका के सभी लोग मेरा माफ़ी स्वीकार कर लेंगे। इस मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द जेड प्लस को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें। शुक्रिया।